स्वीकार जी, लालच आ गया, आप तो कोई मतलब ऐसी चीज छिड़ गई, बात मुंह से निकल गई कि आपसे भी सुनने का मन कर गया कि कोई सेमी क्लासिकल में कुछ आप हमें सुनाइए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, जैसे आप लोग एक यंग लॉट है, मतलब अब आप लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस इंस्ट्रूमेंट का, हालांकि बहुत अच्छी बात है कि सितार अपने आप में बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड वाइड, लेकिन अब और आगे ये जाए, और थोड़ी देर पहले जो मैं बात कर रहा था कि बच्चे डरे ना इससे, ठीक है, मतलब ये और आपसे तो ये बहुत, आप तो इस बात को मेरे ख्याल से स्वीकार करेंगे कि कोई भी कला हो, चाहे अगर आप पेंटिंग ही सीख रहे हैं तो उसमें भी एक महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही अगर आप म्यूजिक के किसी भी पहलू से जुड़े हुए हैं, अगर आप सितार सीख रहे हैं और अच्छा सितार बजाना है तो आप जानते होंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप लोग जब यंग बच्चों से मिलते हैं, छोटे बच्चों से मिलते हैं 6-7 साल के, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं और कैसे उनके अंदर इंकल्केट करते हैं कि वो इस डर से ना बैठे कि ये तो सितार है और हमको इससे डरना है, बल्कि वो सितार उनके लिए उनका प्यार बन जाए, कैसे आप लोग करते हैं इस चीज को?
बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि वो एक एज होता है जब इधर आप लाइक करते हो या हेट करते हो म्यूजिक को, स्पेशली शास्त्रीय संगीत को. क्योंकि इवन मेरी मम्मी के पास जो उस एज में सीखने आते हैं, वो वही कहती है कि उसको अगर इंटरेस्ट हो तो पहले आप उसको म्यूजिक सुनाइए, उसका रिएक्शन थोड़ा नोटिस करिए कि क्या होता है. क्योंकि जितनी जल्दी से आप म्यूजिक सुनवाने लगते हो उतना जल्दी वो लाइकिंग बढ़ जाता है. अभी मैं हाल ही में मेरी एक स्टूडेंट है उसके पास गया था, तो उसका एक 6 साल का बच्चा है, तो मुझे बोलने लगी ये तो आपको पहचान, मैं उसको पहली बार मिल रहा था, मुझे बोले ये तो आपको पहचानती है. मैंने बोला कैसे, तो वो आपने MTV Unplugged में बजाया था सितार, प्रीतम जी जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके लिए मैंने एक MTV Unplugged, जैसे हमारा कुक स्टूडियो है उसी तरह का एक कार्यक्रम आता है जी. तो उसमें बजाया था, तो उसमें आपका सितार वो उसको बहुत पसंद है, तो वो सुनती रहते हैं उसको. तो ये जो है कि आप उस उम्र से अगर सुनाने लगते हो तो उनकी लाइकिंग बढ़ जाती है, और एक स्टेज के बाद अराउंड 9-10 साल के आसपास उनको आप शुरू करवा सकते हो. अगर घर में माहौल है तो बिल्कुल बहुत ही जितना जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कोई है कि जिसके घर में माहौल नहीं है तो उसको जितने जल्दी उसको सुनाए म्यूजिक उतनी जल्दी आप उनको सिखाना शुरू कर सकते हो. तो जो संस्कार की जो बात है वो जितने जल्दी शुरू हो जाए उतने जल्दी आप स्टूडेंट्स को ये जो आर्ट फॉर्म है वो सिखाना शुरू कर सकते हैं. तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अब तक, जहां मैंने फिल्म म्यूजिक में भी बजाया है, तो यंग जनरेशन उसको ज्यादा रिलेट कर पाती है. अभी मैं इतने सालों से मैं क्लासिकल के प्रोग्राम बजा रहा हूँ, लेकिन मेरी जनरेशन के जो है, मेरे स्कूल के जो मेरे क्लासमेट्स हैं, उनको उससे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं. लेकिन जब भी मैं मोहे रंग दो लाल जैसे बॉलीवुड गाने में अगर बजाता हूँ, जो बाजीराव मस्तानी में जो गाना है उसमें मैंने बजाया है, तो वो सुन के मुझे लोग यंगस्टर्स जो है वो मैसेज करते हैं कि अरे नाउ यू अराइव्ड, ना अभी तुमने कुछ किया है ऐसे लग रहा है, नहीं तो इतने साल क्या कर रहे थे. या प्रीतम जी के लिए बजाया, या आयफा के लिए मैंने जब बजाया था रणजीत बारोट जी के साथ, तो ये चीजें जो है वो उनको अट्रैक्ट करती है, और समवेयर उनका जो परसेप्शन है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट सितार के बारे में जो उनका विचार है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में जो विचार है, वो परिवर्तन उसका होने में मुझे बहुत मदद होती है. जब मैं ये चीजें भी करता हूँ तब शायद मेरे जो दोस्त है वो मुझे पूछते हैं कि अरे तुम्हारा क्लासिकल कॉन्सर्ट कब है, मुझे बताओ, मैं टिकट लेके जरूर आऊंगा. असल में तो स्वीकार जी, ये प्योरिटी वर्सेस पॉपुलैरिटी की जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है, बहुत सालों से चली आ रही है. जी बिल्कुल. उस्ताद राशिद खान साहब को मतलब आप ऐसे सोच लीजिए कि कितने बड़े कलाकार हैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका परिचय बहुत से लोग ऐसे ही कराते हैं कि वो जो गाना है ना जब वी मेट का, इन्होंने ही गाया. लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको इसमें बहुत कोई बुरा नहीं फील करना चाहिए, बल्कि ये वो भी आप ही का काम है. और फिल्म संगीत तो आप मुझसे कहीं बेहतर ये बता पाएंगे कि 5 मिनट में अपनी बात कहना, 5 से 6 मिनट में अपनी बात कह देना, उसमें 2 पैराग्राफ भी होते हैं और फिर उसमें मुखड़ा भी है, और उतने में अपनी बात को समेट लेना इतना आसान काम नहीं है. मतलब जो लोग फिल्म म्यूजिक को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं या कमतर आंकते हैं उनको ये समझना होगा. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने दोस्तों का जिक्र कर रहे थे कि वो मतलब फिल्म में जब बजाते हैं तो प्रेज करते हैं और फिर उसी बहाने वो म्यूजिक भी देखने आते हैं, आपके क्लासिकल कॉन्सर्ट देखने आते हैं. ये मतलब शास्त्रीय संगीत बहुत डिसिप्लिन वाली चीज है और बहुत मतलब अनुशासन सिखाती है, तो आप लोग कुछ मौज मस्ती भी कर पाते हैं, दोस्ती फिल्में विल्में देख पाते हैं, या बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह नहीं नहीं सुबह उठ के रियाज करना है, फिर कहीं पढ़ाने जाना है, फिर आना है, क्या आपका जीवन भी आपके दोस्तों की तरह ही है? जी 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 बिल्कुल दोस्तों की तरह ही है, बिल्कुल कोई ज्यादा फर्क नहीं. बाकी मैं मूवीज देखता हूँ या बाकी जो जो सब लोग करते हैं वही करता हूँ, बस अपना जो रियाज है उसको कायम रखता हूँ. क्योंकि आजकल क्या हो गया है, आजकल यूट्यूब है और क्या है, अपने अलग अलग जो म्यूजिक आप सुन सकते हो, स्पॉटिफाई है, गाना है, उससे आपका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बढ़ गया है सुनने का, तो ऑडियंस भी बहुत ज्यादा सुन रही है.
हम लोग भी ज्यादा सुन रहे हैं, पहले ये सब नहीं होता था। शास्त्रीय कलाकार जो है सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक ही सुनता था, तो अभी वो मैं कहूंगा थोड़ी जरूरत भी बन गई है, क्योंकि आप जितने वर्सेटाइल हो उतना आपको काम भी ज्यादा मिलता है, अलग अलग जॉनर्स में आप अपनी कला को पेश कर सकते हो। तो हम लोग फ्यूजन भी करते हैं अलग अलग म्यूजिशियंस के साथ, उसके बाद बॉलीवुड भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स भी बजाते हैं, या और आजकल काफी नए म्यूजिक डायरेक्टर्स ऐसे हो गए हैं कि जो सितार जैसे पुराने वाद्य को भी एक नई तरीके से पेश करना चाहते हैं। तो वो जो एक पुराने और नए का जो एक मिश्रण है, वो सिर्फ म्यूजिक में ही नहीं, वो हमारे रोज के जीवन में भी आ गया है। तो हम लोग पुराना क्लासिकल म्यूजिक भी सुन रहे हैं, जैज म्यूजिक भी सुन रहे हैं, बॉलीवुड भी सुन रहे हैं। तो उस वजह से एक ओवरऑल उसको क्या बोल सकते हैं, एक एक राउंडेड अप्रोच हो जाता है कि आप सिर्फ एक ही तरह को एक ही तरीके से दुनिया नहीं देख रहे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। क्योंकि जितना आप वर्सेटाइल रहेंगे, जितने आप अलग अलग टाइप के म्यूजिक को सुन सकेंगे, जो हम लोग सुन सकते हैं आज, और जब सुनेंगे तभी उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो आज के क्लासिकल म्यूजिशियन को बहुत जरूरी हो गया है कि आप थोड़ा अपने विचारों में भी मॉडर्न बने। बजाना तो क्लासिकली है, राग ही है, लेकिन उसको एक अप्रोच जो करने का जो नजरिया है, वो एक नए एंगल से उसको देखने की कोशिश करें, तो उसको सोसाइटी ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करती है और आपको आप रेलेवेंट रहते हैं लॉन्ग रन। सही बात है। और ये तो मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा कि दोनों अपने अपने वाद्य यंत्रों में दुनिया के सबसे बड़े कलाकारों में शुमार हैं, लेकिन उन्होंने कितनी खूबसूरत फिल्मों के संगीत भी दिए हैं, और कितना दिल बिल्कुल खोलकर बिल्कुल मतलब शिव हरि की जोड़ी ही हम लोग तो बड़े ही हुए हैं सुन के उनके फिल्मों के गाने, लोकप्रिय गाने। स्वीकार जी, इंटरव्यू खत्म करें उससे पहले क्या हुआ कि हम फरमाइश करते गए भजन, फिर उसके बाद शास्त्रीय राग, फिर सेमी क्लासिकल। इस बार आपके ऊपर मैं ये छोड़ रहा हूं कि आप हमें कुछ अपने दिल के करीब की कोई चीज सुनाइए, जिसके बाद फिर हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। जी, आपको मैं एक एक द्रुत लय में एक आपको एक मैं गद सुनाता। Thank you.
अच्छा स्वीकार जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये बताइए कि चूंकि दादी आपने बताया कि संगीत से जुड़ी रही, पिताजी जुड़े रहे, माँ जुड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर घर पे बहुत सारे बड़े कलाकारों का आना जाना रहा होगा बचपन से आपके। फिर जब आपने बजाना शुरू किया होगा तो बहुत सारे कलाकार आते होंगे जिनके सामने आपके पिताजी ने आपसे कहा होगा थोड़ा बजा के सुनाओ भाई, आज फला कलाकार आए हैं। फिर एक वो समय आया होगा जब आप स्टेज में पिताजी के साथ बैठे होंगे। फिर वो भी समय आया होगा जब आपने इंडिपेंडेंट यानी अकेले एक अपना सोलो प्रोग्राम किया होगा। इन सारी प्रक्रियाओं में वो कौन से कॉम्प्लीमेंट है, वो कौन सी वाहवाही है, वो कौन सी पीठ थपथपाना है और किस कलाकार का है जिसने ये विश्वास अंदर पैदा किया हो या आत्मविश्वास अंदर पैदा किया हो कि हाँ अब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बस इसी रास्ते पर बिल्कुल एकदम संयम के साथ संतुलन के साथ आगे बढ़ना है। कोई ऐसा वाकया बताइए। ऐसे काफी वाक्य मेरे दिमाग में आता है क्योंकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अब तक के मेरी करियर में बहुत बड़े लोगों के सामने बजाने का मौका मिला और उनके साथ बजाने का मौका मिला। तो ऐसे पहली बार जब हुआ था 2010 में एक वैदिक हेरिटेज नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी द्वारा स्थापित की गई थी, तो उसमें मैं उस स्पर्धा को जीत के मैं न्यूयॉर्क में गया था उनकी उनकी ओर से, और वहां पे मैंने पंडित जी के सामने मुझे बजाने का मौका मिला था। तो वो मेरे लिए बहुत एक अविस्मरणीय स्मरण मेरे लिए एक क्षण था जो अभी भी मैं मेरे मुंह में शब्द नहीं आ रहे उनके उनका दिमाग में विचार लेते हुए भी। तो उनके सामने बजाया था तभी, उसके बाद उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में मैंने लोनावला में फिर से उनके सामने बजाया था। अभी कुछ साल पहले मुझे उस्ताद जाकिर हुसैन जी, पंडित योगेश शमसी जी और तौफिक कुरैशी जी के सामने उनकी गुरु पूर्णिमा में, अब्बा जी की जो गुरु पूर्णिमा होती है वहां पे बजाने का मौका मिला था। उसके बाद मुझे पंडित योगेश शमसी जी के साथ बजाने का मौका यहाँ मिला था। मुझे उनके साथ वो साउथ कोरिया टूरिंग पे लेके गए थे, वहां उनके साथ बजाना, मतलब ये सारे इतने दिग्गज कलाकार है। पंडित विजय घाटे जी के साथ मुझे मौका मिला था, या और रणजीत बारोट जी के साथ मुझे मौका मिला था। तो ये उनके साथ बजाने का, मतलब हम लोग आशा करते हैं कि कभी उनके सामने बजाने का मौका मिले, लेकिन मुझे इवन बिफोर द एज ऑफ 30 उनके साथ बजाने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए अभी हाल ही में रोनुदा के साथ मैंने काम किया, तो मतलब ये बस आशीर्वाद है, मैं इसको आशीर्वाद के तौर पे ही लूंगा, उसको ज्यादा मैं सीरियसली नहीं लूंगा कि मुझे बजाने का मौका मिला है तो मैंने कुछ अचीव कर लिया है। बस इस एज में मुझे अभी मेरी शुरुआत हुई है और इनके साथ मुझे मौका मिला है, यही इतना बड़ा आशीर्वाद है कि इससे बड़ा और कॉम्प्लीमेंट कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए। पंडित सुरेश तळवलकर जी के सामने बजाया था, तब मुझे उन्होंने कहा कि तुमको इतना अच्छा सिखाया गया है कि मैं तुम्हारे गुरु जी को कॉल लगाऊ, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। तो ये बस ये आशीर्वाद ही है इन लोगों का, और इसको मैं जितना कंटिन्यू रख सकूंगा, जितने मुझे मौके मिलेंगे उतना मैं हम्बल रह के और रियाज करके जो उन्होंने विश्वास मुझ पे जताया है बस उसको उस पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। असल में तो स्वीकार जी ये इंटरव्यू 360 डिग्री घूम के आ गया, जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पे खत्म हुए, और शुरू भी में भी हमने यही कहा था कि दरअसल इन सारे बड़े कलाकारों का जिनका आपने नाम लिया उनके साथ बैठ के बजाना या उनके सामने बैठ के बजाना, उनके आशीर्वाद को पाना, हासिल करना, उनसे तारीफ वाहवाही लेना, इन सब की जड़ में दरअसल वो संगीत है, वो आपकी कला है, वो आपकी साधना है। आप दो कार्यक्रम में बेसुरे हो जाए तो फिर कोई आपको आशीर्वाद नहीं देगा, लेकिन ये आशीर्वाद इसीलिए आपके साथ है क्योंकि आप उस साधना को बहुत ही संयमित होकर, बहुत बैलेंस्ड होकर और बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं, इसीलिए तारीफ भी मिल रही है, इसीलिए आपको कार्यक्रम भी मिल रहे हैं और इसीलिए आपको हम सब इतना प्यार भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी एक बातचीत देख रहा था दुर्गा जी के साथ, तो उसमें वो कह रही थी कि स्वीकार तो बोलते ही नहीं है, खाली इनसे कुछ भी कहो तो वो आंख से और मुंह से इशारा कर देते हैं। तो मैं बहुत डरा हुआ था इंटरव्यू की शुरुआत में ही, कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत ना हो पाए, लेकिन अच्छी बातचीत हुई, मजा आया बातचीत में।
ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप यूं ही और बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजाएं, हमसे जुड़े रहें और ढेर सारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की महक है उसको फैलाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है, और मैं आपका चैनल अभी सिर्फ मैंने फॉलो करना शुरू किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही युवा कलाकारों को आप मौका देंगे और मैं उनको सुन के प्रेरित होता रहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।